क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार माना है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो भरोसा राहुल गांधी जी ने सिंधिया पर रखकर उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया, उसे वह पूरी तरह से कांग्रेस में सक्षम बनाने का कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि चुनौतियां कठिन हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस का निर्माण होगा। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक हो जाने पर उन्होंने कहा कि दोनों अपने राजनीतिक मंशा से आगे बढ़ने के लिए एक हुए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी की सोच और विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन सबका लक्ष्य केवल एक ही है कि भाजपा को कुशासन को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकना है। वहीं प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की क्षमता, सोच और विचारधारा को पूरा देश जानता है, साथ ही उनका आना कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। वहीं उन्होंने किसी भी पार्टी पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से मना किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी हो और युवाओं की हितैषी हो और महिलाओं की हितैषी हो। वहीं कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। वहीं सिंधिया ने प्रभात झा और शिवराज सिंह के लोकसभा में सिंधिया के आमने सामने आने की बात पर कहा कि वह गुना में सभी का स्वागत करते हैं, जो आना चाहे आ जाए। मैं तहे दिल से आंगनवाड़ी राहुल गांधी जी आपको की व्यवस्था की गई है अफगानिस्तान का, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। पूर्ण गंभीरता से जितनी भी मेरी क्षमता है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण तरीके से सक्षम बनाने के लिए मैं कार्य करने के लिए संकल्पित हूँ। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अब दोबारा कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण तैनात हो रहा है राहुल जी के नेतृत्व में। मेरा ये भी सौभाग्य होगा प्रियंका जी के नेतृत्व में, उनके साथ मिलकर उनके नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला है, और साथ में मिलकर प्रियंका जी और राहुल जी के जो काम, जो उनकी मन की कामना है, उस कामना पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश की। महाराज सपा और बसपा एक हो गई है यूपी में, इस तरीके से कांग्रेस का क्या रहेगा अगला? क्या हो गया? सपा बसपा एक हो गई है यूपी। सपा और बसपा अपने सोच विचार के आधार पर, अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर राजनीतिक दल का मान सम्मान करती है। हमें अपना रास्ता देखना है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैंने सदैव कहा है कि सोच विचारधारा अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य हम सबका एक ही है महाराज के। राहुल, वो लक्ष्य यह है कि भाजपा की कुशासन को दिल्ली से उखाड़ कर हमको मिलकर फेंकना है। मेरी कोशिश भी होगी राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में कि हमारे साथ वाले दलों के साथ भी हम चर्चा करें, चाहे वो समाजवादी हो बसपा हो, उनका मान सम्मान है, उन्होंने अपना निर्णय लिया है, कांग्रेस अपना निर्णय लेगी, पर साथ में मिलकर एक लक्ष्य भी है कि इस भाजपा की सरकार को उखाड़ के दिल्ली से फेंक। गांधी जी को लॉन्च किया गया है पॉलिटिक्स में। प्रियंका जी की जो क्षमता है वो हर देश का वासी जानता है, जो उनकी परिपक्वता है, राजनीतिक परिपक्वता, एक क्षमता लोगों को आंकने की, और मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक सहायक के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका जी का आगमन एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में और राहुल जी और उनके संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कार्य करेगी। न करूं और अपने आप स्थिति का जायजा न लूं, मैं टिप्पणी नहीं करता। जो मंत्रालय भी मैंने संभाला है, मैंने उसे समझकर उसके बाद टिप्पणी की है। मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ जो पहले दिन ही बहुत सारे टिप्पणी कर लूँ, पर लक्ष्य एक ही है कि कांग्रेस को संगठित करना, कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना, और अनेक दल जो हमारे साथ सोच विचार रखते हैं, गठबंधन अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, और वो है कि एक ऐसी सरकार स्थापित करें केंद्र में जो लोखनमुखी हो, किसान के लिए हितैषी हो, नौजवान के लिए हितैषी हो,
और भाजपा को उखाड़ के हमें फेंकना है। नाम चल रहा है इस तरीके से, प्रभात झा देखिए, मैंने सदैव कहा है कि मेरे गुनाह में सब किसी का स्वागत है।